अच्छा हाँ हाँ मुझे याद आया, ये वही है ना जिसके बारे में आप मुझे उस दिन बता रहे थे। मैं जरूर चलूंगा। यह मैं जा रहा हूँ, क्या बात है। यह मैं आज बहुत खुश हूँ। इनसे मिलो सोनिया, ये है मशहूर इटालियन फैशन डिजाइनर मिस्टर मिलानो। सो कैसे हो? ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। आपको ये पिज्जा खाकर जरूर इटली की याद आ जाएगी। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? ओके। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये ड्राइंग्स तुमने बनाई हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तुम काम सीखना चाहते हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो। क्या? मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। सोनिया, मिस्टर मिलानो का अपना डिजाइन स्कूल भी है। तो इसका मतलब मेरा सपना सच होने वाला है। मैं इटली जाऊंगा और एक बड़ा डिजाइनर बनूंगा, सबके साथ डांस करूंगा। नहीं, ये क्या किया? ये तो टूट गया। अब मैं क्या करूंगा? मैंने इसे सुनियो से लिया था। अरे तुमने मेरा प्लेन तोड़ दिया। सुनिया मुझे माफ कर दो। इसने जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई सच में। मेरे पास एक खुशखबरी है दोस्तों। हाँ? क्या हो गया सुनियो, तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास कोई खुशखबरी है? हाँ? जानना चाहोगे? मैं समझा नहीं। खुशखबरी ये है कि मैं पढ़ने के लिए इटली जा रहा हूँ। क्या तुम आगे पढ़ने के लिए इटली जा रहे हो? क्या तुम वहाँ पिज्जा बनाना सीखोगे? क्या नोबिता, वहाँ पर पिज्जा बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं वहाँ पर फैशन डिजाइनिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब अचानक से क्यों? पता नहीं, मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब मेरा सपना सच हो रहा है। क्या तुम अकेले नहीं रह जाओगे? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने घर और दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा ना। यही तो खुशी की बात है। अब मुझे रोज रोज तुम्हारा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा नोबिता, समझे तुम? क्या कहा? मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। अच्छा हुआ ये जा रहा है। तो वो इटली जा रहा है। आइडिया, क्यों ना हम उसे एक पार्टी दे ताकि वो हमें याद रखे। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। मैं क्यों उसे पार्टी दूँ? वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता है, समझे? अगर तुम चाहते हो तो तुम उसे अकेले पार्टी दे सकते हो। सुनियो, मैंने सुना है तुम पढ़ने के लिए इटली जा रहे हो। लगता है सबको इसका पता चल गया। मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता था, लेकिन अरे ये सब क्या है? ये रही वो कॉमिक बुक्स और टॉयज जो मैंने तुमसे लिए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। इस सब की क्या जरूरत थी? वैसे भी इन सब के बारे में मैं भूल चुका। नहीं, ये तुम्हारी चीजें हैं, इन्हें लेकर जाओ। लेकिन जियान, अब तुम इन्हें रख सकते हो। अच्छा तो ठीक है सुनियो। अरे क्या हुआ? अगर तुम्हें वहाँ जाकर कोई परेशानी हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ भी आ सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जियान। इटली, जियान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो इटली नहीं आ पाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि हम जाने से पहले उसे सरप्राइज दें? क्या मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। सुनो नोबिता, इटली सच में ही बहुत दूर है। ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम कहती हो तो ठीक है शिजुका। तो फिर ठीक है। क्या तुम सच कह रहे हो सुनियो? अरे आखिर बात क्या है शिजुका? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सुनियो मुबारक हो। अरे ये क्या है? हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक सरप्राइज और दें। हम बस तुम्हारे साथ खुशी बांटना चाहते थे। तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो ना? चाहे जो भी हो, हम तो हमेशा दोस्त ही रहेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलिए शुरू करें। जो चाहती हो खाओ, मैं कुछ भी ला सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। देखो सुनियो, हम तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ला पाए, मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता देना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शर्माओ मत। सही कहा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो मैं शिजुका के हाथ का बना हुआ होममेड केक खाना चाहता हूँ। सही कहा तुमने, ये तो है। शिजुका के हाथ का बना हुआ केक फिर कभी खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने सही कहा। हाँ और कल से तो मैं वैसे भी इटली के बड़ी बड़ी जगहों से पिज्जा खाऊंगा। मुझे माफ करना, मुझे तुम सबकी याद आएगी। शिजुका,
हाँ, मैं अभी जाकर केक बनाकर लाती हूँ। क्या कहा, सच में? तुम्हारा शुक्रिया। अब जल्दी जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। सुनो सुनियो, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तुम कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, दरअसल मैं एक फैशन शो कराना चाहता हूँ, पर वो तो मुमकिन नहीं है ना। डोरेमोन। जवाब है, इन कॉस्ट्यूम्स का भी इस्तेमाल करो। ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। ये वाला भी ट्राई करो। शिशुका, अब तुम्हारी बारी। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। काश ये लम्हा और ज्यादा यादगार हो पाता दोस्तों, अगर चीयर लीडर्स होती तो और अच्छा लगता। डोरेमोन, ऐसी बात है तो फिर से तुम्हारी बारी। हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये तो मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगला कॉस्ट्यूम डोरेमोन। हाँ, आया। जल्दी से ये वाला कॉस्ट्यूम। ठीक है। और उसके बाद ये वाला। और उसके बाद ये वाला। जियान कहाँ चला गया? जियान। मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने ज्यादा इंतजार करवाया, लेकिन अब मैं सुनियो के लिए एक गाना गाने वाला हूँ। जियान, अभी फैशन शो खत्म नहीं हुआ है, परेशान मत करो। सही कहा। क्या परेशान? मेरी पार्टी में वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए एक नई कॉस्ट्यूम पहनी और एक गाना भी गाने वाला था, जानते हो ना। दरअसल परेशानी तुम्हारे कॉस्ट्यूम में ही है, ये कितने पुराने जमाने का कॉस्ट्यूम है जियान। क्या कहा, तुम्हें मेरा कॉस्ट्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया? हाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तुम्हारा गाना मुझे कभी पसंद ही नहीं था। दरअसल तुम जब भी गाते हो बेसुरा गाते हो, असल में तुम शोर मचाते हो, समझे? शोर मचाती हूँ, शोर मचाती हूँ। क्या कहा? रुक जाओ। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे माफ कर दो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम इटली से वापस आओगे, मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। सुना तुमने? एक बार वापस तो आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। रुक जाओ जियान, मैं कहती हूँ रुको तो सही। जियान, मेरे दोस्त सब कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सबको उसकी याद आएगी। नहीं तो चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए, दोस्त तो दोस्त ही रहेगा ना। सही।